देखो अंदर से वैसे तो हूँ शरीफ आदमी, अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच। हर रोज की तरह मैं कल भी सोने का ट्राई कर रहा था अपने बाबू सोना एंजल प्रिया को याद करते करते और गाना सुन रहा था। बस तभी मेरे को कॉल आता है बॉस आयुष का और मैं बोलता हूँ हेलो। अरे यश भाई, ये मेरे को यार कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं वीडियो डिलीट कर, बोल रहे हैं स्ट्राइक वगैरह मार दूंगा, बोल रहा तुम्हारी पूरी गिल्ड चूतिया ऐसा वैसा, डरा रहे मेरे को यार। तो भैया तुम ये क्या, ये बॉस अभी अभी नहीं नहीं सुन तो सही, ये मतलब वही जानना चाह रहा हूँ कि भैया तुम्हारी पूरी गिल्ड में यही है क्या, मुझे जब बैज 99 वर्सेस आयुष चल रहा था बॉस को बीच में क्यों लाया, गलत किया, सजा तो मिलेगी और वो भी बहुत गंदी वाली। अभी देखो अभी जो करंट का सीन है बैच 99 वर्सेस आयुष वाईटी का तुम लोग को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो देखो सीन ऐसा है कि आयुष ने दिए थे बैच 99 को 210,000 फॉर काइंड ऑफ प्रमोशन, ताकि उसका चैनल प्रमोट हो सके और जिसको लेके बैच ने वीडियो भी बनाई थी ना भाई, 200,000 दे रहा है, जो कि 200,000 कोई भी चैनल जितनी भी बड़ी हो चाहे वो तीसरी जो क्यों ना हो भाई, 200,000 कोई भी नहीं लेता ठीक है। इससे अच्छा मैं टीवी पर प्रमोशन करवा लेता अगर मेरे पास 200,000 होता तो। खैर एनीवेज, तो उससे लिए 200,000 आयुष से एंड प्रमोशन का अगर आप वीडियो के एट दी एंड जिससे उसको सब्सक्राइबर है कितने, 5K बताओ, मतलब 200,000 के बदले 5K सब्सक्राइबर। शर्म करो। अब मैं ये नहीं बोला कि पेड प्रमोशन करना गलत होता है ठीक है, पेड प्रमोशन हर चीज का होता है भाई, जो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो और भी बहुत सी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट हर चीजों का यार प्रमोशन तो होता ही है ठीक है, वो भी पेड ही होता है। लेकिन तुम किसी सामने वाले बंदे से ले रहे हो 210,000 प्लस साथ में 20,000 डायमंड, मतलब ऑलमोस्ट मान लो 2.5 लाख के आसपास तुम ले रहे हो, उसके बाद उसके साथ तुम खेल लिए, वीडियो बनाए, उसके प्रमोशन से कोई फायदा नहीं हुआ, फटाक से उसको अनफ्रेंड कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो भाई इसको स्कैम नहीं तो क्या बोलेंगे। और देखो क्या हुआ है ना, सीन में बताता, इतना ज्यादा अमाउंट आई उसने दे कैसे दिया, वो है बच्चा, उसको पैसे का इतना नॉलेज नहीं है ठीक है, मतलब कैसे क्या चीजें वर्क करती है यूट्यूब के अंदर, तो उसने इतना ज्यादा पैसा दे दिया और चलो गलती से पैसा दे भी दिया उसको बैज 99 को, तो उसको खुद इतना शर्म होना चाहिए था कि भाई वो कर देता प्रमोट अच्छे से। अब देखो मैं इस टॉपिक में ना कुछ नहीं बोलता, एक वर्ड नहीं बोलता, क्योंकि जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि बैज मेरा एक टाइम का बहुत अच्छा दोस्त है और हॉक नूब को मैं करीबन 1.5-2 साल से जानता हूँ ठीक है, क्योंकि हम दोनों पहले डिस्कॉर्ड पे मतलब बात तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट देता था, लेकिन इसने जब बॉस पे बोला ना, इसने बहुत कुछ बोला है, वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं डाली है, लेकिन बट फिर भी देखो मैं एक चीज़ बताता धीरज तेरे को, देख तू एक मैनेजर है ठीक है, मतलब जिसको हम दल्ला बोलते बेसिकली, तो तू एक दल्ला है, तो दल्ले की औकात में रहे, उससे ज़्यादा आगे मत जा ठीक है, और बॉस पे पूरा मत बोलियो, नहीं तो बॉस के सारे बंदे अगर तेरी लेने लगेंगे तो भाई तेरा क्या हो जाएगा तेरे को पता नहीं लगेगा ठीक है। तेरे से भी बड़े बड़े भगवान इधर आए थे बनने, संत बाबा, उनको हमने अच्छे से आशीर्वाद दे के भाई भेज दिया ठीक है, उनकी हिम्मत नहीं होती बोलने की, तू किस खेत का मूली है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख। और दूसरी चीज़ क्या, स्कैम तो भाई तूने कर रहा है और साथ साथ तेरा जो है बैज 99 उसने भी कर रहा है, और मैं कसम से बता रहा बैज तेरे से ये उम्मीद नहीं थी यार कि तू इतना गिर जाएगा। और जब इस तरीके से इन्होंने प्रमोशन करा जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इन्होंने जाके पूछा उससे ठीक है, बैज से, बैज के मैनेजर से, तो उसने क्या बोला कि भाई प्रमोशन इतने में ऐसा ही होता है, हम वापस से तुम्हारा प्रमोशन करेंगे और उसमें लेंगे हम 5 लाख ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इनका कहना था कि उसमें ज़्यादा पैसा लेंगे हम और अच्छे प्रमोशन करेंगे, मतलब समझ रहे हो एक प्रमोशन का 5 लाख, भाई कितने यूट्यूबर लाइफ अपना बर्बाद कर देते, 5 लाख नहीं देखते, 5 लाख मजाक है, इसको किसी ने आज तक भाई 1 लाख तक नहीं दिए होंगे ठीक है, इतना एडवर्टाइजमेंट का नहीं मिलता है ओके। और ये बच्चा समझ के उसको लूटने लगे, लेकिन तेरे को ये नहीं पता कि उसके पीछे कौन कौन है ओके, तो ये चीज़ पहले जान लेना था भाई तेरे को। देख मैं एक चीज़ बताता हूँ, और जिन लोगों को लगता है कि बॉस के बीच यूनिटी नहीं है, मतलब कि एक ने वीडियो बनाई दूसरे ने क्यों नहीं बनाई, तो ऐसा होता है ना भाई, हम क्यों नहीं बनाते मैं बताता, क्योंकि बॉस का एक एक बंदा है ना अपने आप में काफ़ी है, ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हम 1v1 नहीं समझ लेते, प्लान बहुत भयंकर था, 5 लाख का और इनको स्कैम करना था बेसिकली, मतलब समझ रहे हो ना पूरा का पूरा प्लानिंग। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, देख बैज इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाने से, मीम लगाने से, गाना लगाने से तू कूल खुद को प्रूफ नहीं कर सकता है भाई, प्रूफ के बदले प्रूफ दिया जाता है बकचोदी नहीं, तो प्रूफ के बदले तू भी कुछ प्रूफ दिखा, ऑडियंस देखेगी, मैं भी देखूंगा कहाँ गलती है कहाँ सही है, तो कर वो सारी चीज़ें ठीक है, नहीं तो लाइव आ जा कुछ भी घर यार, लेकिन ये बकचोदी मत किया अगर मीम लगा के यार, मतलब ऐसे कौन रिप्लाई देता है भाई।
और देखो ये चीज ना, ये जो वीडियो अभी बनी है, तुम सोच रहे हो कि भाई अभी 3-4 महीने पहले का ये पूरा का पूरा सीन अभी क्यों ये सामने आ रहा है। देखो क्या हुआ था, पूरा का पूरा सीन मैं बताता। उस टाइम जब हुआ था ना, तो आयुष ने मेरे को बताया था यार इतना कुछ मेरे साथ हो गया, तो मैंने उस टाइम बोला था यार क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा क्रिएटर है, उनके खिलाफ बोलेगा तू तो प्रॉब्लम हो। वो भी बोला कि हाँ मतलब हम खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं तो हेट मिलेगा और सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं कि डाउन हो जाए। तो इसी वजह से उस टाइम इसने ये सारी चीज़ें नहीं करी। और अभी इसने क्यों करा मैं बताता तुम्हें, उसने जब क्यू एन ए करा था तो क्यू एन ए में एक बंदे ने पूछ दिया कि बैज 99 के साथ क्यों नहीं खेल, तो 1v1 करो उसके साथ। तो फिर इसका रिप्लाई था बेसिकली भाई वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, 2-2 लाख मांगते हैं। अब जो सही है वो तो बोलेगा ही ना, क्यों झूठ बोलेगा बताओ, इसने दिए हैं पैसे तो बोलेगा। तो बस उसी चीज़ को लेके इसको धमकाने लगे भाई वो लोग कॉल करके कि वीडियो डिलीट कर दे, ये कर दे, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, स्ट्राइक मार देंगे, चैनल उड़ा देंगे। भाई हलवा है क्या, इतना ही दम है, तू उखाड़ के दिखा ले, मैंने वीडियो डाला है, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। अगर तू गलती से भी स्ट्राइक मार दिया तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑडियंस महान है, ऑडियंस सब देखती है भाई, और ऑडियंस ही फैसला करती है कौन सही कौन गलत। और बाकी इन चीज़ों पे मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, इतनी चीज़ें मैंने बता दी। और ये मत समझिए कहीं से भी कि आयुष बच्चा है, अकेला है, तो तू कुछ भी कर ले भाई, उसके पीछे बिग बॉस खड़ा है, ठीक है, और बिग बॉस कौन है तुम्हें पता ही है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कौन यून फर्स्ट वीडियो में। लेकिन यार छी यार, बहुत बुरा लगा यार मेरे को कसम से ये चीज़ें जान के। और भाई आज मेरे को पता चला जो भरोसे वाले होते हैं वही।